भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन 29 नवंबर को गोरखपुर क्लब में किया गया है, जिसको देखते हुए भाजपा युवा मोर्चा महानगर इकाई के कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ स्थित विवेकानंद और हरिओम नगर स्थित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमाओं की साफ सफाई की, जिसका नेतृत्व युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष पवन यादव ने किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष पवन यादव ने बताया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माता की जय। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे। निश्चित रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी अपने महापुरुषों का हमेशा याद रखती है, हमेशा ख्याल करती है, चाहे वो साफ सफाई के माध्यम से हो या तो शहर की सफाई की व्यवस्था को लेकर के हो। आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में एक युवा संसद का कार्यक्रम करा रही है, जिस कार्यक्रम का निमित्त है कि उस कार्यक्रम में जो युवा छात्र नेता रहे हो, चाहे वो देश को दिशा देने का काम किए हो, चाहे वो देश के लिए और राष्ट्र के लिए पदक और मेडल लेकर के आए हो, भारतीय जनता इन ऐसे नौजवानों को और ऐसे युवाओं को पहली बार उसको एक युवा संसद के माध्यम से डिबेट का कार्यक्रम करेगी, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मैनराज पांडे जी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM आदरणीय केशव मौर्य जी इस कार्यक्रम में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है, जब भी कोई कार्यक्रम करती है तो पहले अपने वीर योद्धाओं को नमन करके, अपने महापुरुषों को प्रणाम करके एक कार्यक्रम का शुभारंभ करती है। ये कार्यक्रम 29 नवंबर को गोरखपुर क्लब में होगा। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर अपने नौजवान, अपने पूर्वजों को और अपने महापुरुषों को प्रणाम करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है।